हल्द्वानी शहर की जनता इन दिनों सड़क पर बैठने वाले अवावा मवेशियों से परेशान नजर आ रही है। बता दें कि नगर निगम विगत कुछ माह से सड़कों पर घूम रहे लवारिस गाय और सांडों को गौशाला तो भेज रहा है, लेकिन काम की गति धीमी है। नगर निगम को बीते समय हाईकोर्ट में लवारिस पशुओं के मामले में फटकार भी लग गई है, जिस पर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब तक हमारी गौशाला नहीं बनेगी तब तक हम कितना भी प्रयास कर ले इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने भी सख्ती करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जो अपने पालतू मवेशियों को खुले में छोड़ रहे हैं। इन कार्रवाई के बावजूद भी शहर की सड़कें मवेशी मुक्त नजर नहीं आ रही हैं। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि गौशाला बनाने के लिए 4.26 हेक्टेयर जमीन नगर निगम को मिली है और इस जमीन में गौशाला का निर्माण होने में भी 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। हालांकि अब आश्रय सेवा समिति की मदद ली जा रही है और जानवरों को पकड़ने के लिए अभियान जारी है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हमारी जो स्थायी गौशाला है जो गंगापुर कपडाल में बन रही है उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जो दो हमारी अस्थायी गौशालाएँ चल रही हैं रजपुरा और शीश महल, उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। तो जो जानवरों को पकड़े जाने की जहाँ तक की बात है वो समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। गत दिवसों में हम लोग अतिक्रमण हटाने में और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में व्यस्त हो गए थे और चूँकि टूरिस्ट सीजन भी प्रारंभ हो गया है तो थोड़ा सा ट्रैफिक पर हमारा फोकस था, बट नो डाउट फिर से मुहिम चला करके जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ा जाएगा। प्रयास ये है कि जो हमारी अस्थायी गौशालाएँ हैं उनमें भी थोड़ी सी कैपेसिटी क्रिएट हो जाए ताकि हम जो जानवर पकड़ें उनको वहाँ पर तय सुविधाओं के साथ रख सकें।